इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कौन आया? देखो कौन आया। हाँ जी, पुलकित पाल जी, बोलिए जी। बोलिए मैडम, क्या तकलीफ है आपको मुझसे? नहीं, आपको क्या तकलीफ है मुझसे? आप जो मेरे पीठ पीछे जाकर बकवास कर रहे थे वो चर्बी वाले ड्रम के पास, क्या तकलीफ है? नहीं, क्या है क्या तुम्हारी? आपको शायद याद होगा, आपने आप नो 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 तुम्हारा खाती हूँ मैं, तुम्हारी माँ को बेच कर खाती हूँ। नहीं मैडम, माँ बाप मत जाओ, आप मेरे बारे में बोलो। तो तू मेरे माँ पे बकवास कर रहे बैठ के। नहीं मैंने मैंने नहीं बोला, मैंने आपके बारे में बोला है। मैंने आपके बारे में बोला है, आपकी माँ के बारे में नहीं, आपके बारे में बोला। मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ। आपके बारे में बोला है, आप अब इतनी कमजोर हो कि माँ बहन समझ जा रहे हो? आप अब इतनी कमजोर हो? नहीं नहीं, मैं कोई गाली वाली नहीं दूंगा, मैं एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट क्योंकि शुरुआत आपने की थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ, आपको शायद याद नहीं होगा। मैंने क्या कहते हैं, आपको कोई ग्रुप था कोई ये यूट्यूब पे, मैंने वो भी ज्वाइन किया था। बाद में आपने मुझे कमेंट पे और आपने अपने लाइव चैट पर मुझे गालियां दी थी कि तुमने मेरा वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने जस्ट ये बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले आपने चालू किया था। नो नो नो, यू स्टार्टेड इट, यू आर द वन हु स्टार्टेड इट। क्या आपने क्या लिखा था? और फिर आप माँ और बहनों पे जा रही है, और फिर आप माँ और बहनों पे, आप मेरे बारे में बोलिए ना। मैंने आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं बोला। ऑफ कोर्स मैंने आपके बारे में बोला, आपकी माँ और बेटी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं भी किसी की माँ हूँ। हाँ, मेरी बेटी वो सुनेगी तो उसकी माँ को नहीं बोल रहा। अब मैं जो है ना, मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ। ये आपके सामने ना शाहिद जी बैठे हैं। आपने तो मैडम, आपने तो मैडम गाली दी होगी इनको। अगर इन्होंने मुझसे कभी गाली देंगे ना तो गाली पड़ेगी, समझ में आएगी। आपने तो मैम खुद बोला 18+ शो है ना, 18+ शो है, फिर आपकी बेटी क्यों देखेगी? बड़े होके नहीं देख सकती है? What kind of stupid question is that? बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं भी तो किसी की माँ हूँ। उस वक्त आप भूल जाते हैं। आपकी माँ पे आई तो लगी ना मिर्च? नहीं, मुझे ये बताओ तुमको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर फालतू में बैठी होती हूँ? मैं कोई काम नहीं करती, मैं ऐसी चर्बी चढ़ रही है। यहाँ दो एडल्ट बात कर रहे हैं, आप ये क्यों कह रही हो? आपकी मैं भी किसी का भाई हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ। आप अपने विमेन होने का एडवांटेज लेती है हमेशा, आप हमेशा अपने विमेन होने का एडवांटेज लेती है। मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ। ऑफ कोर्स आप लेती हैं, ऑफ कोर्स आप लेती हैं, बिल्कुल लेती हैं। मैं तो विक्टिम कार्ड खेल सकती हूँ ना, मगर मुझे ये दिख गया कि आपका हिंदू है सब ना महिलाओं की कितनी इज्जत करता है और आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आई ना? मेहनत करो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ, जलो नहीं दूसरों से, ठीक है? मैं क्यों चलूंगा आपसे, मेरा आपसे चलो निकले यहाँ से, समझ में आई ना? आगे बढ़े, आपने ये बोला होगा। मैंने कुछ नहीं बोला था, तुम्हारी मैं नीचे कमेंट देख रही होती थी ना, तुम्हारे हमेशा गांड में आग लगी होती थी, हर वक्त नीचे हमेशा से बकवास दिख रहे होते थे। तो अभी तुम्हारी माँ पे आई हूँ ना तो तुमको बड़ी वो हो गई। हाँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ। तो मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मैं फ्री की बैठी हूँ यहाँ पर। जा निकलो यहाँ से, पता कहाँ से आ जाते हैं छे चोरे लोग। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।